नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 का सवाल है इट सेज अ मैन वे 80 एटी किलोग्राम ही स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लेफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड्स विदनिफॉम एक्सलेसन ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सवाल ये व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल बड़ा सिंपल सवाल है जी की वैल्यू हम टेन या यूज कर सकते हैं हमारे ऑप्शन हैं जीरो फोर हंड्रेड या फिर ट्वेल्व न्यूटन तो इसमें सिचुएशन uh, ये है कि ये आपके लेफ्ट लेफ्ट के अंदर यह आपका वेइंग मशीन रखी है और इस वेइंग मशीन के ऊपर एक पर्सन स्टैंडिंग है यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है और नॉर्मली जब ये लिफ्ट रुकी होती है तो उसका वजन है एट्टी के तो उसका मास दिया हुआ है अपने को एट्टी के और अगर इसका वेट निकालोगे तो देट विल बी एम जी देट विल बी इक्वल टू 800 हंड्रेड न्यूटन आपका वेट आएगा ना इस केस में जब क्योंकि लेफ्ट हमारी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सोलेशन ए से ऊपर जा रही है इस केस में हम कहते हैं जो अपनी रीडिंग आएगी दैट विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए बिकॉज इसके ऊपर एफ बी डी अगर बनाएंगे तो नीचे की डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा सो so इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू एम अपने को दिया हुआ एट्टी जी टेन प्लस ये हो गया फाइव सो so ये फिफ्टीन हो गया फिफ्टीन इन एट्टी दिस विल बी इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड न्यूटन ट्वेल्व हंड्रेड न्यूटन और अगर ये सवाल पूछा जाए वट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल तो यहाँ पे जो तो 1200 न्यूटन दिया हुआ है ये रीडिंग आएगी अगर पूछा जाए अपर इंड वेट क्या होएगा या उसकी रीडिंग अगर वेट से तो इसको जी से डिवाइड करके हम कह है सकते हैं 120 किलोग्राम की रीडिंग वो स्केल दिखाएगा सो तो अगर सवाल इस तरह से, से ट्विस्ट किया जाए तो इसका आंसर भी हमें पता होना चाहिए तो जिसका वज़न 80 किलो है पाँच मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिफ्ट से जाते हो उसका एकदम से वहाँ वजन देखने पे लगेगा 120 किलो उसका वजन हो गया है अगेन नॉट इन रियलिटी बट इस वाले फ्रेम में दिस इज अवइट विल भी हालाइट सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ट्वेल्व हंड्रेड न्यूटन वुड बी द राइट आंसर